बीएससी पार्ट थर्ड, गुड आफ्टरनून। आज आपको बता रहे हैं चिर सम्मत या साइनोसोइडियल समीकरण, क्लासिकल और साइनोसोइडियल वेव इक्वेशन। चूंकि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, अतः प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग वेव के रूप में होता है, जिसके साथ एक निश्चित तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई संबद्ध होती है। इलेक्ट्रॉन तरंग को चिर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण तने हुए तार की भांति के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, d2 phi / Δx² = 1/v² d2 phi / dt² समीकरण एक, जहां v तरंग का वेग जो एक्स अक्ष में आगे बढ़ती है। यह एक द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण है, अतः फाई दो चरों x व t पर निर्भर करता है। ये आपको चित्र में दिखाया गया है कि फाई जो है ये आयाम बताता है और ये दो चीज़ों पे x दिशा और t समय पर निर्भर करता है। फाई तरंग फलन है जो विस्थापन को बताता है। एक विमीय तरंग समीकरण को हल करने के लिए फाई x इंटू t = होता है फंक्शन f x और g t। ये है समीकरण दो। लेकिन अप्रगामी तरंग जिसकी तुलना तनित तार से की गई है कि समीकरण इस प्रकार होती है, g into t = a sin 2π(ν)t। यह है समीकरण तीन। न्यू कंपन की आवृत्ति तथा a अधिकतम आयाम है। phi = fx और इसकी जी टी की जगह पे हम लिख रहे हैं a sin 2π(ν)t। समीकरण चार को टी के संदर्भ में दो बार अवकलित करने पर तो d(φ)/Δt = fx 2π(ν)a cos 2π(ν)t। दूसरी बार अवकलित करने में d2 φ / dt² = fx 4π²(ν²a और ब्रैकेट में -sin 2π(ν)t। समीकरण तीन से d2φ/dt² = -4π²(ν²fx(gt)। यह है समीकरण पाँच। समीकरण दो को x के संदर्भ में दो बार अवकलित करने पर तो d2φ/dx² = d2(fx gt)/Δx² तो d2φ/Δx² = gt d2φ fx dx² ये है समीकरण छः। समीकरण एक, पाँच व छः को मिलाने पर तो gt d2φx/dx² = 4π²(ν²fx gt)/v² तो d2φx/dx² = 4π²(ν²fx/v² समीकरण सात से v = λ रखने पर v वेग है और न्यू आवृत्ति है तो v = λ रखने पर d2fx/Δx² = हो जाएगा -4π²(ν²/λ² f(x) तो d2fx/Δx² = -4π²(λ²fx। ये इक्वेशन है आठ। समीकरण आठ उस तरंग के लिए है जो x दिशा में गमन करती है। इसी प्रकार तरंग गति की त्रिविम समीकरण को भी इसी प्रकार की होगी, जिसमें fx को साई में बदल दिया गया है। तो fx = साई वेव फंक्शन xyz तीनों डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रॉन चलता है तो समीकरण आठ निम्न रूप में आ जाएगी, d2φ/dx² + d2φ/dy² + d2φ/dz² + 4π²(λ²ψ = 0। यह समीकरण सभी प्रकार के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, फोटोन आदि के लिए उपयुक्त है। थैंक यू।